निम्बाहेड़ा में उदय खेल महोत्सव का आगाज हुआ। 7 दिवसीय खेल प्रतिभाओं का शुभारंभ प्रसिद्ध ओलंपिक खिलाड़ी कृष्णा पुनिया और सहकारिता मंत्री उदय लांजना ने किया। निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए सहकारिता मंत्री और प्रसिद्ध समाज सेवी उदयला लांजना के मार्गदर्शन में भव्य उदय खेल महोत्सव का रंगारंग और धमाकेदार आगाज हुआ। निम्बाहेड़ा कॉलेज ग्राउंड में प्रसिद्ध ओलंपियड खिलाड़ी और विधायक श्रीमती कृष्णा पुनिया, सहकारिता मंत्री उदयला लांजना और राजस्थान युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा के आतिथ्य में उदय खेल महोत्सव का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी प्रीति जैन, चित्तौड़गढ़ डेयरी संघ के अध्यक्ष बद्रीलाल जगपुरा, निम्बाहेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झवल, जिला कांग्रेस महामंत्री गोपाल लाल आंजना और छोटी सादड़ी प्रधान सपना मीणा मंचासीन थी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि अब हर वर्ष इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी की खेल प्रतिभाएं आगे बढ़े और देश प्रदेश में क्षेत्र का नाम रोशन करें। श्री आंजना ने कहा कि विजेता और उपविजेता टीम को उनके क्षेत्र में 5 नहीं बल्कि 10 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। जो भी खिलाड़ी उनके क्षेत्र के कार्य के लिए आएगा उनके कार्य तुरंत किए जाएंगे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों को भावना को ध्यान में रखकर ही आयोजित किया गया और निस्संदेह जो उत्साह और उमंग देख रहा हूँ, बड़ा संतोष हुआ कि मैंने एक अच्छा काम करने का प्रयास किया। और उसके ऊपर फिर निवेदन करते ही कृष्णा जी का आना, गोगरा जी का आना निस्संदेह इस कार्यक्रम में और जान डाल गया। जो संदेश इन दोनों युवा साथियों ने खेल के क्षेत्र में दिया है, निस्संदेह आप लोगों के लिए ये मार्गदर्शक बनेगा और आप इस अनुसार काम करेंगे। मैं तो ये केवल इस एक साल के लिए आयोजन नहीं कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम वर्षों तक जब तक आपका साथ मिलता रहेगा बराबर ये बता रहा है, चाहे सत्ता में रहें या नहीं रहें, लेकिन ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी प्रकार का कार्यक्रम पहले पीड़ितों की सेवा के लिए ऑपरेशन के मार्मत मोबाइल सर्जिकल यूनिट द्वारा 10 सालों से किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से वो हो नहीं पाया और सर्जिकल यूनिट भी अभी बंद है। तो जब एनएसयूआई और यूथ के साथियों ने ये बात सुझाई कि ये खेलकूद का कार्यक्रम हाथ में लो, तो मैंने पहले तो ये बताया कि अभी खेती बाड़ी का काम शुरू होने वाला है और आगे गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा। और विधानसभा सत्र भी चल रहा है, जिन नेताओं को मेहमानों को बुलाना चाहते हैं वो शायद समय नहीं निकाल पाए विधानसभा सत्र की वजह से, लेकिन युवाओं का आग्रह था कि साहब आप तो कहोगे तो सब आ भी जाएंगे ना, हम इसका आयोजन को कर ही लेंगे, अभी खेती बाड़ी का काम इतना ज़्यादा शुरू हुआ नहीं है, यही समय ठीक है, बाकी आगे तो गर्मी ज़्यादा आ जाएगी। और जब रखा कार्यक्रम तो मैंने निवेदन किया कृष्णा जी से और गणेश जी से, मेरे एक ही आग्रह को इन्होंने मान लिया और पधारे, इसलिए पुनः बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ ही एक वादा और लेना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम मैं तो हर साल करूँगा, आपको भी हर साल आना पड़ेगा। तारीख जो आप देते हैं वो तारीख रहेगी, तारीख भी आपकी अपनी सुविधा के अनुसार देते रहें, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को जब बुलाना चाहते हैं तो निस्संदेह वो आनाकानी जरूर थोड़ी करते हैं कि आज मेरे वहाँ काम है, और मेरे पास भी कोई आता तो मैं भी ऐसा करता हूँ, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। लेकिन कृष्णा जी ने और दोनों ने एक दिन भी नहीं कहा पहले आग्रह पर ही यह समय निकाल के आई, मैं बहुत बहुत इनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और जो संदेश दिया युवा साथियों के लिए, ये इनकी प्रेरणा रहेगी और आगे इनको खेल के मैदानों से और ज़्यादा लगाव बढ़ेगा और इस लगाव के साथ दूसरे कार्यक्रम में भी सभी गतिविधियों में भी अपना भविष्य सुधारने का प्रयास करेंगे। ओलंपियड खिलाड़ी और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष व विधायक कृष्णा पुनिया ने कहा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े, अगर अपना लक्ष्य साध लिया तो जीवन में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। खेल जिंदगी जीना सिखाता है और हार को जीत में तब्दील कराता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार खेलों को लेकर उत्साह के साथ कार्य कर रही है, खेलों को नौकरी के अवसर में बदलने का कार्य कांग्रेस की सरकारों ने किया है, हमारी सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। अब तो नई नई चीजें आ गई बाजार में, कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं, नैतिकता में इतनी
कमी आई है, इतनी कमी आई है, हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है। तो इन चीजों से परे होकर हमें देखना यह है कि धरातल के ऊपर इस देश को बनाने में किसका योगदान रहा है। और मैं कहना चाहूंगी, गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि मैं उस पार्टी के साथ जुड़ी हूं जिसने इस देश को बनाया है। माननीय मंत्री महोदय खुद भी खेल से जुड़े रहे। मैं आज यहाँ लगभग 700-800 किलोमीटर से आई हूँ और आपने कहा कि कृष्णा जी एक बार आपको हमारे यहाँ पर आना होगा कि हमारे खिलाड़ी प्रोत्साहित हो तो इसमें आगे बढ़े, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी पिछले बजट में घोषणा की थी कि ग्रामीण ओलंपिक खेल हम कराएंगे। कोरोना की वजह से हम उसमें देरी जरूर हुई और अभी खेल अधिकारी ने मुझे बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में 66,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है, 66,000 खिलाड़ियों का, 66,000 खिलाड़ी जब यहाँ खेलेंगे, मकसद क्या है इन खेलों को कराने का? जो बातें एक तो मैंने आप सबको बताई कि नौकरियां देना, पैसा देना, युवाओं को नशे से दूर करना, मोबाइल से दूर करना, समाज में आई विकृति को दूर करना, बहुत सारे कारण इस चीज से जुड़े हुए हैं। और देश में ज्यादा पदक राजस्थान की तरफ से आए, ये एक मुख्य लक्ष्य भी हमारा है कि हम टैलेंट को खोजें। 66,000 खिलाड़ी जब चित्तौड़गढ़ से खेलेंगे तो एक संदेश घर घर तक जाएगा। डूंगरपुर विधायक व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने अपने उद्बोधन में उदय खेल महोत्सव के उपस्थित खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं समय समय पर ऐसे आयोजन करता रहा हूं और उदय खेल महोत्सव में होने वाले नवाचार में मैं स्वयं डूंगरपुर में भी लागू करूंगा। उदय खेल महोत्सव के शुभ अवसर के उद्घाटन के अवसर पर हमारे सहकारिता मंत्री महोदय सम्मान्य उदयलाल जी, हमारे विधायक साथी, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा कृष्णा पुनिया जी, जिला कलेक्टर महोदय, एसपी मैडम, प्रधान छोटी सादड़ी सपना जी, सुभाष जी, बद्रीलाल जी, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष NISY के साथी, सम्मानित मंच और पधारे बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें यहां बुलाया। और उदयलाल जी, आंजना जी, वास्तव में अभी भी मुझे जवान लग रहे हैं कि उनमें जो ऐसा जोश है और ऐसा जुनून है कि युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए इन्होंने काफी अच्छी राशि रखी है। और हमें हर हमेशा ये युवाओं के साथ रहते हैं, कुछ भी काम हो हर हमेशा तैयार रहते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है इनको। इस खेल के माध्यम से हर पंचायत से खिलाड़ी आएंगे, हर जाति के खिलाड़ी आएंगे, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान होंगे। ये खेल ही ऐसा है जो सभी जातियों और धर्म को एक साथ जोड़ के रखता है, इसलिए खेलना आवश्यक है। जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, भले आपको क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, कबड्डी खेलनी है, लेकिन आप में अनुशासन, एकता और संगठन होना चाहिए, तो ही आप जीत सकते हैं। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ डेयरी संघ के अध्यक्ष बद्रीलाल जगपुरा, कलेक्टर अरविंद पोसवा, SP प्रीति जैन ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नगरपालिका उपाध्यक्ष परवेज अहमद शिब्बी, उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी, पुलिस उप अधीक्षक आशीष चौधरी, छोटी सादड़ी TSP अध्यक्ष रणजीत सिंह मीणा और जिला खेल अधिकारी गिरधारी चौहान उपस्थित रहे।
अतिथियों का स्वागत अभिनंदन पंचायत समिति सदस्य पिंकेश जैन, पार्षद और जिला फुटबॉल उपाध्यक्ष मोहम्मद कुरैशी, पार्षद राजेश सांड, पार्षद प्रतिनिधि नितिन नागौरी, सरपंच अर्निया जोशी, गजेंद्र पालीवाल, गुड्डू भाई, आशीष टांक, सुनील धाकड़, बेनीपुरिया, अजय सिंह सेमलिया, संजय उपाध्याय, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धीरज नागरिया, रोमिल चौधरी, कन्हैयालाल धाकड़, छात्र संघ अध्यक्ष साजनी सोनी, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष मुकेश धाकड़, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बलवंत जाट, NSUI नगर अध्यक्ष विशाल और राजस्थान विधानसभा का माननीय विधायक महोदय एवं राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बड़ी बहन कृष्णा पुनिया जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक महोदय गणेश जी गोगरा साहब, चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर महोदय ओसवाल साहब, आपने राजसमंद में बहुत खेल करवाए हैं और हिंदुस्तान जिंग आप प्रभारी मंत्री भी आलना जी थे वहाँ पे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि चित्तौड़ में भी हिंदुस्तान जिंग यहाँ है, CSR का पैसा है, तो चित्तौड़ में भी ऐसा बड़ा खेल जो राजसमंद में आपने कराया वैसा चित्तौड़ में भी कराएं। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक SP साहब, निम्बाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन साहब, SDM साहब, मीणा जी, छोटी साहब प्रधान जी, जमर साहब, गोपाल जी आलना साहब, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पूरण जी साहब एवं समस्त मेरे साथियों, युवा साथियों। कार्यक्रम में जिला फुटबॉल संघ सचिव फैसल खान, रामकिशन चौधरी, उबैद खान, विक्रम टेलर, भवर सिंह, आयुष शर्मा, गुलाब धाकड़, राहुल सुथार, विक्रम अहीर, विजय शर्मा, नितेश आंजना, अंकित जाट, दुर्गेश भराड़िया, समरथ रेगर, दीपक धाकड़, यशवंत सेन, कैलाश धाकड़, आयुष शर्मा, अम्बालाल मेनारिया, विकास धाकड़ बड़ावली, दीपक कनेरा, बाबूलाल धाकड़, अंकित आंजना, अखिलेश मेनारिया, राजेश आस्तोलिया, जतिन शर्मा, राजू आंजना, यश वीरवल आदि ने मंचासीन अतिथियों को उपरना ओढ़ा मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मंत्री जी का को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह का नवाचार जो आपके द्वारा इस क्षेत्र के युवाओं के लिए किया गया है। समय कम है तो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। तो अभी जो है सभी लोगों ने बोला कि खेलों का कितना महत्व है, तो मेरा मानना है कि जो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और लेकिन आवश्यकता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। जैसे आपने देखा होगा कि आज से 10 या से 20 साल पहले हमारे क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी होते थे, 11 में से 8 खिलाड़ी मुंबई के बॉम्बे के होते थे। तो उसका एक कारण सिर्फ ये था कि बॉम्बे के अलावा बाकी कई जगह खेल स्टेडियम ही नहीं थे। जब खेल स्टेडियम बनने लगे तो रांची से भी खिलाड़ी निकलने लगे, बिहार से निकलने लगे, बंगाल से निकलने लगे। तो अगर हम अपने युवाओं को जो है वो स्टेडियम देते हैं, खेलने के अवसर देते हैं, तो वो भी जो है वो अच्छे से अच्छा पदक, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स में पदक ला सकते हैं। इसी के साथ जो दो महत्वपूर्ण सीख है मुझे लगता है जो खिलाड़ी हमेशा अपने जीवन में लेके जाता है, सबसे एक सीख है कि अनुशासन, क्योंकि किसी भी खेल में अनुशासन के बिना जो है आप अच्छा नहीं कर सकते। और दूसरी सीख है जो वो जीवन भर उसके साथ रहती है, तो वो है कि टीम भावना, क्योंकि आपकी कोई भी खेल होती है जब तक आप एक टीम भावना के रूप में काम नहीं करते हो, आप फुटबॉल के ग्राउंड में हो, क्रिकेट के ग्राउंड में हो, आपको पता है कि जब साथ वाला प्लेयर अगर आपका साथ नहीं देगा तो आपकी टीम जीत नहीं सकती है। तो ये सब सीख आप लेके जाएंगे और ये जो ये एक नई शुरुआत हुई है, मैं मानता हूँ कि ये एक चिंगारी होनी चाहिए और इसका सफलता को हम तब मापेंगे जब इसी तरह की गेम्स हर पंचायत में होंगी। और आसपास के क्षेत्रों से पधारे सभी गणमान्य जन, भाइयों, बंधुओं और खिलाड़ी विशेष रूप से, खेल महोत्सव का आयोजन अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि सभी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ मन का निवास होता है। और आज के समय में कोरोना ने हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि स्वस्थ शरीर भी कितना आवश्यक है और स्वस्थ मन भी कितना आवश्यक है। तो हम सब खेलों के माध्यम से अपने आप को फिट रखें और वर्तमान समय में तो जिस तरीके से खेलों में आगे बढ़ के हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ के विश्व स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं, जिसका एक प्रमाण हमारे सामने बैठी है मैडम, हम सब खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। और व्यक्तित्व विकास का भी ये सबसे बड़ा माध्यम आज के रूप में सामने आ रहा है, तो मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनसे दूर हटके यदि हम खेलों में अपना पसीना बहाएंगे
तो हम ना केवल खुद स्वस्थ रहेंगे, अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखेंगे, सारी हमारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर हम सकारात्मक माहौल की तरफ जाएंगे। तो मैं सभी से जो आज खिलाड़ी यहाँ खेलेंगे उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आप खेलों के माध्यम से न केवल आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि इस क्षेत्र को एक नई पहचान दे रहे हैं और आने वाले समय में खेलों के माध्यम से बहुत आगे देश का नाम रोशन करेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। इस अवसर पर अतिथियों ने खेल ग्राउंड पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। क्रिकेट की पिच पर बॉलिंग विधायक गणेश घोगरा ने की और मंत्री आंजना ने बैट संभाला। इसी तरह वॉलीबॉल और फुटबॉल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पूरनमल आंजना भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण जसवंत आंजना ने दिया और संचालन पार्षद और विधानसभा युवक कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष रवि प्रकाश सोनी ने